आपको पता है आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते अगर आपने ये चीज मिस आउट कर दी ना, अगर आपने ये वीडियो मिस आउट कर दी ना, तो आपके अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का जो सपना है वो भाई बिल्कुल एकदम बेकार हो जाएगा। क्यों? एक रीजन है भाई, क्योंकि देखो अगर आप सीयूटी का टेस्ट दोगे ना, आप जितने भी डोमेन सब्जेक्ट उसमें अच्छा कर लोगे, लेकिन आप एक ही सब्जेक्ट भूल जाओगे और उसकी वजह से ही आपके जो रैंक है वो डिफर पड़ जाएगी। मेरे अभी मेरे दोस्त से बात हो रही थी भाई जो SRCC में है, वो बोला यार हम लोगों के ना यार डोमेन सब्जेक्ट्स में, हम सब मतलब हम जितने भी दोस्त हैं हम सब, वो क्या डोमेन सब्जेक्ट्स में तो बहुत तगड़े तगड़े नंबर आए हमारे, बहुत तगड़े तगड़े आए, 200 अप टू 200, लेकिन हमारी जो इंग्लिश है ना उसके कम नंबर आने की वजह से हमारी जो पूरी रैंक है ना वो गिर गई। तो एक सब्जेक्ट है जो एकमात्र आपको, अगर आपने उस पर ध्यान दे दिया तो मेरे हिसाब से भाई आप बहुत तगड़ा, बहुत 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 तगड़ा आप उसमें कर लोगे, वो है भाई इंग्लिश सब्जेक्ट। अगर आपने इस सब्जेक्ट पे ध्यान दे दिया ना भाई, सही बता रहा हूँ मैं भाई, आपकी बहुत तगड़े मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि देखो यार अगर हम 12th तक देखते हैं तो 12th तक हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, डोमेन के हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन अगर हमने ये सब्जेक्ट पे फोकस कर लिया ना CUET में, मेरी बात मान के चलना भाई, CUET में अगर आपकी अच्छी रैंक यही सब्जेक्ट बना पाएगा, अगर आपने इस सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करा ना, यही आपकी सब्जेक्ट रैंक गिरा देगा और आपको अच्छे कॉलेजेस का जो सपना है वो बेकार हो जाएगा भाई। समझो इस चीज को भाई, अगर बंदे को अच्छा कॉलेज चाहिए इस पे फोकस भी करना पड़ेगा। अगर करोगे डोमेन सब्जेक्ट्स पे फोकस, वो भी आपके अच्छे नंबर बनाएंगे, लेकिन डोमेन सब्जेक्ट पे यार हर कोई फोकस कर देता है, इस पे बंदा रह जाता है, इस पर बंदे रह जाने की ही वजह से जो आप देखते हो ना रैंक का कितना डिफर आ जाता है भाई, कितनी रैंक की डिफरेंस आ जाते हैं वो इस सब्जेक्ट की वजह से आते हैं। तो इस सब्जेक्ट को भूल मत जाना भाई, ये सब्जेक्ट है जो आपकी रैंक गिराएगा और ये सब्जेक्ट ये है जो आपके नंबर कम कराएगा। अगर आप सही में अगर ये सब्जेक्ट फॉलो कर लोगे ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये सब्जेक्ट आपकी रैंक बहुत ऊंची उठा देगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।